जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है, हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीते मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत के पार्लियामेंट में एक सीट को आरक्षित कर दिया है और दो सीटें कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कर दी हैं। इसके बाद तो जैसे ओवैसी और वामपंथियों और कांग्रेसियों की जैसे हवा निकल गई हो, वो इस बात का विरोध करने लगे। दोस्तों, इसके पीछे का कारण समझिए कि आज तक कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड हिस्से को हमेशा विवादित स्थल घोषित किया गया है। यूएन में भी यही मसला हमेशा उठता आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाकर ये साबित कर दिया है और इस पर ऑफिशियली सरकार के द्वारा मोहर लगा दी है कि पीओके हमारा हिस्सा है और उसका एक प्रतिनिधि हमारे पार्लियामेंट में बैठता है। ये खबर ओवैसी को पसंद नहीं आई और ओवैसी अपना ज्ञान छौंकने लगे। इस पर अमित शाह ने उनकी ऐसी वाट लगाई कि देखते ही मजा आ गया। देखो, बिल हमारे आईन के खिलाफ है और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आईन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर, यहां पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और इसकी रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे, कौन नामजद करेगा? एक आवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो आईन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं, आवाम का जो मैंडेट है फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप, और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? आप जम्मू भी लूज करेंगे आप? अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है, हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीती है मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, ये खामखा नीति, निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की, अब जवाब मिल गया उनको तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूँ कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का, तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। अरे मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह रहे पढ़ते, तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। मैं जरा भी पर मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूँ, मेरे हाथ में जो कागज होता है
आंकड़ों और तथ्यों को रिखेर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं, फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया। जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं आप, नहीं नहीं, एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता है। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर, और मान्यवर आ है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर, मान्यवर, जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है।